एबीपीएस न्यूज। नमस्कार, एबीपीएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय प्रताप सिंह और आपके सामने पेश हैं आज की सुर्खियां जो शहर के मुख्य समाचार पत्रों में आज छाई हुई हैं, जिसमें सबसे बड़ी खबर समाजवादी पार्टी की तरफ से है, जिन्होंने अपनी प्रत्याशी को राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर कैराना से उतारने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि ये फैसला सिर्फ जाट वोटों के लिए किया गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरह से गोरखपुर और फूलपुर में अपने साथ बहुजन समाज पार्टी को मिलाकर दोनों सीटें जीत चुकी है और अब बारी जो आई है वो कैराना की है। इसके अलावा नूरपुर बिजनौर की जो सीट है उस पर भी समाजवादी पार्टी काफी गंभीर नजर आ रही है। हिंदुस्तान अखबार में ये खबर प्रकाशित हुई है जिसमें कहा गया है कि समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बसपा का गठबंधन अपने साथ जो जारी रखा है उसमें राष्ट्रीय लोकदल को भी शामिल कर लिया है। कैराना लोकसभा सीट पर अपनी पार्टी की तबस्सुम को राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया है। नूरपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने नईमुल हसन को इस गठबंधन का साझा उम्मीदवार बनाया है। तो माना जा सकता है कि समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर इन दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि राष्ट्रीय लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो किस तरह से इन दोनों सीटों पर अपना प्रदर्शन करेगा और ये सीटें किसके खाते में जाएंगी। इसके साथ साथ जो हिंदुस्तान अखबार में और दैनिक जागरण में एक खबर छपी है जिसमें कैश वैन को लूटने का मामला सामने आया है। 33 लाख रुपए बैंक के सामने से लूट लिए गए जो कि एटीएम में डालने के लिए उनके कर्मचारी लेकर जा रहे थे। थाने के पास सीओ का दफ्तर भी है। इसके अलावा महिला थाना है पीली कोठी, जो जगह है मुरादाबाद का एक व्यस्त इलाका है जहां पर हर समय पुलिस की निगरानी रहती है और अब सीसीटीवी कैमरे खंगालने का भी पुलिस प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पीली कोठी के पास स्थित एक्सिस बैंक के सामने शनिवार की दोपहर 2:10 के लगभग बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर कर्मचारी से 33 लाख रुपए लूट लिए। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। तो वहीं ये लोग लूट की वारदात को अंजाम देकर सिविल लाइन थाने की तरफ ही निकले हैं। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालने का प्रयास कर रही है। बहरहाल इतनी बड़ी वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग ये चर्चा करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि जब सिविल लाइन थाना क्षेत्र में ही लोग सुरक्षित नहीं हैं और पीली कोठी जैसे व्यस्त इलाके में इस तरह की घटना हो जाती है तो अंदर शहर का जो इलाका है उसमें लोग अपने आप को किस तरह से सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो कानून व्यवस्था में ये एक बहुत ढील की बात सामने आ रही है। कहीं ना कहीं पुलिस अपने मामले में कमजोर दिखाई दे रही है। साथ साथ पहले जब जिक्र किया गया था कि शहर के मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और कुछ जगह पर लगे हुए भी हैं जिसमें इंपीरियल तिराहा भी शामिल है, इसी तरह से अगर पीली कोठी चौराहे पर भी सरकारी सीसीटीवी कैमरा हुआ या वो होने के बावजूद ठीक हुआ, बड़ी बात यह है कि कैमरा लगा हुआ तो होगा लेकिन अगर वो ठीक हुआ तो शायद इन लोगों की पहचान की जा सकती है। तो यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। एबीपीएस न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। साथ ही हमारे Facebook, Twitter, Google Plus को लाइक फॉलो जरूर करें। पहले पेज पर है। इसके साथ साथ दैनिक जागरण ने इस खबर को पहली वरीयता दी है जिसमें बताया गया है कि एक किसान को सोते समय नौकर के साथ उसकी हत्या कर दी गई। संबल क्षेत्र के पर्यावरणी गांव का मामला है जहां पर किसान और उसके नौकर के शरीर पर नुकीले धारदार हथियार से वार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पर्यावरणी गाँव में खेत के पास हो रहे किसान जयराम सिंह और उसके नौकर राजपाल शुक्रवार की रात गोलियों और नुकीले हथियारों से हत्या कर दी गई। कानून व्यवस्था का मामला अगर देखा जाए तो यहाँ संभल में भी कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं और इस
दोहरे हत्याकांड से पूरे क्षेत्र में दहशत है और लोग कह रहे हैं कि बदमाशों के हौसले काफी बुलंद है। तो वही फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पहुंची और उसने भी जांच के लिए नमूने लिए हैं। पर्यावरण गांव की घटना के बाद अकोली थाना क्षेत्र में काफी दहशत का भी माहौल है। इसके साथ साथ पुलिस भी बदमाशों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मृतक के बेटे की तरफ से FIR दर्ज करा दी गई है। तो वहीं अब खबर उत्तर प्रदेश की लखनऊ से है। लखनऊ में सरकार ने मकान देने की बात कही है और ढिलाई बरतने पर अफसरों पर कार्रवाई करने की बात भी सामने आई है। तूफान में तबाही हो या कोई दैवीय आपदा, इसके लिए भी सरकार पूरी तरह से जनता का साथ देगी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 मई को आए तूफान में तबाह हुए लोगों को राहत देने के लिए शनिवार को आगरा और कानपुर में कई घोषणाएं की। कच्चे मकान वालों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान दिए जाने की बात कही गई है और उन्होंने ऐलान किया है कि कोई भी व्यक्ति पीड़ित नहीं रहेगा, आपदा का प्रकोप होगा, सरकार उसकी मदद करेगी। इस खबर को हिंदुस्तान अखबार ने भी मान्यता दी है। इसके साथ साथ जो नई खबर है वो नई दिल्ली में महिला पुरुषों के लिए अलग से ड्रेस कोड की घोषणा की गई है। नीट की जो परीक्षा है उसमें MBBS और BDS पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा रविवार को कई क्षेत्रों में आयोजित होगी। CBSE ने ड्रेस कोड जारी कर दिया है। सिख छात्रों को कड़ा और कृपाण पहनकर परीक्षा में जाने की छूट होगी। परीक्षा के लिए पंजीकृत महिला एवं अभ्यर्थियों को अलग से ड्रेस कोड निर्धारित किए गए हैं, जिसमें महिलाएं सिर्फ मंगलसूत्र पहनकर जा सकती हैं। इसके अलावा कान के पुंडे और अंगूठी आदि भी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई हैं और पूरे शहर में JMR आदि की व्यवस्था भी की गई है। 25 जगह के आसपास ये परीक्षा होनी है और सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरी तरह से मोबाइल कई जगह पर बैन कर दिए गए हैं और जैमर की व्यवस्था की गई है। तो फिलहाल ABPS न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसी के साथ अजय प्रताप सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ABPS न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक ट्विटर Google+ को लाइक फॉलो जरूर करें।